नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो किसी भी राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम हो चाहे राज्य स्तर का एग्जाम हो, आने वाले 2 वर्षों तक इसके संबंधित डेटा, इससे संबंधित फैक्ट निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी रिपोर्ट, इसे कहते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। यदि इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो भारत के जो वन संसाधन हैं उसका आंकड़ों के साथ प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेस ऑफ इंडिया को डेटा के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इस रिपोर्ट में अगर देखेंगे तो 11 ऐसे चैप्टर्स दिए गए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के वन संसाधन का विस्तृत विवरण मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ दी जाती है और हम आज कवर करेंगे इन सभी चीज़ों को। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका, उसके बाद देखते हैं फॉरेस्ट कवर यानी कि वन आवरण। वन आवरण के बाद हम देखेंगे भारत के मैंग्रोव वन क्षेत्र को, उसके बाद वन प्रकार एवं जैव विविधता। दोस्तों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस रिपोर्ट को पहली बार ISFR में शामिल किया गया है, तो ये एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद देखते हैं वन अग्नि यानी कि फॉरेस्ट फायर को, इस रिपोर्ट को भी इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद देखेंगे वृक्षावरण यानी ट्री कवर को, ठीक है। ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों को हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे ग्रोविंग स्टॉक जिसमें फॉरेस्ट इन्वेंट्री यानी वन सूची, वनों से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनकी लिस्ट। उसके बाद देखते हैं देश के जो बैम्बू रिसोर्सेज हैं, बांस के जो संसाधन हैं, इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है। भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक का मतलब सभी ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करेंगे, अवशोषण करेंगे। तो उससे होगा क्या, कार्बन का अवशोषण, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड अ कार्बन स्टॉक। यही क्या है आपका, कार्बन स्टॉक है। इसके बाद देखते हैं लोग एवं वन, पीपल एंड द फॉरेस्ट, यानी कोई ऐसा वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं तो उनकी वनों पर निर्भरता किस प्रकार है, कौन से ऐसे वन उत्पाद हैं जिन पर उनकी निर्भरता है, इस रिपोर्ट में इसे शामिल किया जाता है। तो आइए हम एग्ज़ाम स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी महत्वपूर्ण डेटा एवं तथ्यों को वन बाई वन देखते हैं। तो उसके बाद देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम देखेंगे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण डेटा हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 11 महत्वपूर्ण चैप्टर में 10 का विवरण यहाँ हम देने जा रहे हैं, और 11वां चैप्टर जो है यदि आप देखेंगे तो वो राज्यवार वनों की स्थिति का आंकड़ों के द्वारा प्रदर्शन है, यानी कि स्टेट वाइज डेटा रिप्रेजेंटेशन उसमें किया गया है। तो वो राज्यवार वनों की स्थिति है, वो वॉल्यूम 2 में ISFR रिपोर्ट में दिया गया है। ये सभी 10 चैप्टर ISFR रिपोर्ट के वॉल्यूम 1 के अंतर्गत आते हैं जिसका आज हम विवरण देखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, तो यदि आप देखेंगे इंट्रोडक्शन को, तो ISFR रिपोर्ट तैयार कैसे की जाती है, क्या मैन्युअली या घूम घूम कर आंकड़ों को इकट्ठा करके ये ISFR रिपोर्ट तैयार करते हैं? जी नहीं, हम अपनी पुरानी पद्धति को छोड़कर आजकल अत्याधुनिक तरीके से इसे रेडी करते हैं। प्रत्येक 2 वर्षों में इस रिपोर्ट को तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट तैयार कैसे होती है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO का एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS सीरीज का भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2। इस रिसोर्स सेट 2 उपग्रह की मदद से ये ISFR रिपोर्ट तैयार की गई है 2019 की। इसमें एक विशेष तकनीक यूज़ की गई है LISS3, जिसका मतलब है लीनियर इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि आप ऊपर में रहकर नीचे की चीज़ों को आप क्या करते हैं, इमेजिंग करते हैं, सेंसर्स के थ्रू इसका आप आकलन करते हैं, उसके बाद डेटा का प्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो विशेष तकनीक है LISS3 और सैटेलाइट का नाम क्या है, रिसोर्स सेट 2। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है इसका प्रकाशन कौन करता है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ये रिपोर्ट
प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करने वाली ये जो FSI है, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं ये ISFR रिपोर्ट कौन से नंबर की रिपोर्ट है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। ये 16th नंबर की रिपोर्ट है। सबसे पहले ये रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। 1987 से लेकर 2019 के रिपोर्ट तक अगर आप देखें तो ये 17वीं रिपोर्ट होनी चाहिए, किंतु 2007 में ये रिपोर्ट नहीं आई थी। इस कारण ये रिपोर्ट कौन से नंबर की है? 16वीं नंबर की है, 16th नंबर की रिपोर्ट है, जिसे 30 दिसंबर 2019 को प्रकाशित किया गया था FSI के द्वारा। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति। भारत में राष्ट्रीय वन नीति बनना कब प्रारंभ हुआ? बिफोर इंडिपेंडेंस 1894 को पहली बार भारत में वन नीति बनना प्रारंभ हुआ। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, भारत की पहली वन नीति 1952 में बनी थी। उसके बाद देखते हैं दूसरी वन नीति आई 1988 में और काफ़ी इसमें अमेंडमेंट किया गया था। दोस्तों, 1988 की वन नीति में काफ़ी महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया था कि भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% भाग वन होना चाहिए, यानी कि एक तिहाई भाग भारत का वन होना चाहिए। ये इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया था। अब जो है, भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना प्रतिशत वन आज के परिदृश्य में है? तो वह है 1/4 के आसपास। बट लक्ष्य क्या रखे है हमने? 33%, यानी कि 1/3। तो 1/4 आज हमारी वर्तमान स्थिति है, लेकिन 1988 से ही इसे 1/3 का टारगेट रख लिया गया था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, यदि इस ISFR रिपोर्ट को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज़ किए जाते हैं, और यदि इन टर्मिनोलॉजी को आप समझ लें तो आपके लिए ISFR रिपोर्ट समझना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर, वृक्ष आवरण यानी कि ट्री कवर, RFA यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, एंड TOF यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। तो इन टर्मिनोलॉजी को आइए हम समझते हैं कि इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, जिससे कि आपका ISFR रिपोर्ट समझना काफ़ी आसान हो। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन में देखते हैं। तो डेफिनेशन को देखते हैं तो सबसे पहला वन आवरण है, तो एक हेक्टेयर या इससे बड़ा वृक्ष आच्छादित भूमि क्षेत्र यानी पेड़ों से ढका क्षेत्र, जहां वृक्षों की कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक हो, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वन आवरण में गिना जाएगा। आप समझ पाए? आप इमेजिन करिए एक ऐसा क्षेत्र जिसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया क्या है? 1 हेक्टेयर या इससे ज़्यादा है। इसमें बहुत सारे पेड़ होंगे, तो मान लो एक पेड़ ये है, उसी प्रकार और भी बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं इस 1 हेक्टेयर वाले लैंड में। तो अगर आप इस पेड़ के नीचे जाते हैं और ऊपर देखते हैं तो जो आवरण क्षेत्र दिखता है, या फिर अगर आप ऊपर से देखें तो ये जो ढका वाला क्षेत्र दिखता है, यही क्या है? इसका कैनोपी है। और एक हेक्टेयर में ऐसे बहुत सारे पेड़ होंगे और सभी पेड़ों की अपनी कैनोपी होगी, तो टोटल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में सभी पेड़ों का जो कैनोपी एरिया है, इसकी यदि हम तुलना करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में ये जो कैनोपी डेंसिटी है, यदि इसका घनत्व 10% से ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी हो, तो वह क्या है? वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर में गिना जाएगा। एक पेड़ है, इसका कैनोपी, दूसरा पेड़ है, उसका कैनोपी, तीसरा पेड़ है, उसका कैनोपी, ऐसे बहुत सारे कैनोपी एरिया को आप ऐड कर दें, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया से तुलना करें, यदि इसकी तुलना करने पर इसका घनत्व डेंसिटी 10% से ज़्यादा हो या 10% कम से कम हो ही, तब ये क्या है? फॉरेस्ट कवर में आएगा। ये क्लियर हो गया आपको? अब हम समझते हैं RFA क्या है। RFA क्या है? सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज भौगोलिक क्षेत्रों को हम RFA कहते हैं। इसमें क्या है? आरक्षित वन भी है, संरक्षित वन भी है, जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये सब क्या है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आ रहे हैं। इसकी खास बात क्या है कि कोई भी ऐसा सरकारी कानून
कोई भी ऐसा अधिनियम या कोई भी ऐसे राजस्व रिकॉर्ड में कोई ऐसा जमीन सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है वह क्या है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। ये समझ गए, तो एक लाइन में क्या है, सरकारी भूमि, ये समझ गए आप। अब यहाँ पे क्या समझते हैं कि इसको हम डायग्राम के बेस पे समझते हैं कि फॉरेस्ट कवर क्या है, आरएफए क्या है। ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं ये फॉरेस्ट कवर है जिसकी डेंसिटी कितनी है, मिनिमम 10% तो है ही, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, ये समझ गए। ये जो इधर का क्षेत्र देख रहे हैं ये ना ही सरकारी ज़मीन है ना ही फॉरेस्ट कवर है, लेकिन यहाँ पे भी वन है, ये समझ गए। ये वो एरिया है जो किसी समय वन था, जिसकी डेंसिटी 10% थी, बट आजकल वो 10% नहीं है, यानी 10% से इसकी डेंसिटी कम हो गई है। तो अब क्या है, ये एरिया क्या कहलाता है, अब आरएफए में आ रहा है। आरएफए ये भी हो सकता है यदि इस क्षेत्र की डेंसिटी मान लो 10% से ज़्यादा हो और ये 1 हेक्टेयर वाले मापदंड को पूरा करते हो, तो ये आरएफए का ये क्षेत्र 1 हेक्टेयर ये जो है फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत गिना जाएगा, ये समझ गए। ऐसा इसके साथ भी है, ये सरकारी ज़मीन भी नहीं है, फॉरेस्ट कवर भी नहीं है, लेकिन ये इस क्षेत्र में मान लो आप निवास करते हैं और अब मान लो आपने 3 हेक्टेयर आपका प्राइवेट लैंड है, वहाँ 3 हेक्टेयर वाले ज़मीन पे अमरूद के पेड़ का प्लांटेशन किया। अब पहले पेड़ लगने के पूर्व में वो फॉरेस्ट कवर नहीं था, आरएफए भी नहीं था, यानी सरकारी ज़मीन भी नहीं थी, ये तो आपका प्राइवेट लैंड है। अब इस प्राइवेट लैंड में आपने अमरूद के पेड़ का प्लांटेशन करने के बाद 2-4 वर्षों में उस क्षेत्र में वन का आवरण क्षेत्र बन गया, यानी वो पेड़ बड़े हो गए। अब ये इस फॉरेस्ट कवर के मापदंड को पूरा करते हैं, क्या मापदंड है, 1 हेक्टेयर या इससे अधिक की भूमि होनी चाहिए, बिल्कुल है, यहाँ 3 हेक्टेयर आपने लिया था। दूसरा, इस क्षेत्र में डेंसिटी कितनी है, 10% से ज़्यादा है या मिनिमम 10% तो है ही, तो सैटेलाइट डेटा अब क्या कर लेता है, अगली रिपोर्ट में इसे फॉरेस्ट कवर में शामिल कर लेता है। तो यहाँ पे एक कंक्लूज़न क्या हो सकता है कि फॉरेस्ट कवर सामान्यतः रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यदि मापदंड पूरा करता है, यानी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि, 10% से ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी, तब ये क्षेत्र भी क्या है, वनावरण में आ जाएगा। और इस प्राइवेट लैंड में भी यदि देखते हैं कि 3 हेक्टेयर वाला ज़मीन है, वहाँ अमरूद के पेड़ का प्लांटेशन आपने कराया, वहाँ पे 10% से ज़्यादा डेंसिटी है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, तो वो भी वनावरण में आ गया। इस कारण वनावरण ज़्यादा होता है आरएफए की तुलना में। आई होप ये समझ पाए आप। अब यदि आप ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट को आप समझ गए तो आपको वृक्ष आवरण समझना और भी आसान लगेगा। मैं एक महत्वपूर्ण लाइन बताता हूँ कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का ही सबसेट है, उपश्रेणी है वृक्ष आवरण, ट्री कवर। कैसे, यदि इस प्राइवेट लैंड पे आपने फॉरेस्ट कवर का मापदंड पूरा किया, यानी 3 हेक्टेयर की ज़मीन लिया, अमरूद का पेड़ का प्लांटेशन आपने कराया, कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा आई, तो अब फॉरेस्ट कवर में आ गया। सोचिए मान लो आपने 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन ली और उस क्षेत्र में आपने अमरूद के पेड़ का प्लांटेशन किया और उस क्षेत्र में कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा भी है, कम भी है, तो आप क्या है, उसे हम ट्री कवर में शामिल करेंगे। फॉरेस्ट कवर में क्यों शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 1 हेक्टेयर का मापदंड पूरा नहीं कर रहा है। कैनोपी डेंसिटी भले 10% से ज़्यादा है तो क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे वो क्या है, 1 हेक्टेयर वाले मापदंड को पूरा नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, ट्री कवर है। तो जितने भी बिखरे हुए पेड़ हैं, जैसे आप मान लो बस्तर एरिया में जाते हैं, तो बस्तर एरिया में जो है ट्री डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवर काफ़ी ज़्यादा है, तो फॉरेस्ट कवर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे आप मैदानी एरिया में आते हैं तो मैदानी एरिया में जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, तो वो सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं है, वो फॉरेस्ट कवर में भी नहीं आ रहा है, वो मैदानी एरिया में है, किसी प्राइवेट लैंड पे भी है ना। तो उस क्षेत्र में क्या हो रहा है कि ये आरएफए के बाहर है, याद रखिएगा, टीओएफ आरएफए के बाहर होगा, वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर भी आरएफए के बाहर होगा, ये याद रखिएगा।
तो इसकी शर्त क्या है, ट्री कवर की शर्त क्या है, 1 हेक्टेयर से कम की जमीन हो और आरएफए के बाहर हो, तो ये ट्री कवर है। फॉरेस्ट कवर का मापदंड क्या है, 1 हेक्टेयर या इससे ज़्यादा की जमीन हो और कैनोपी डेंसिटी 10% मिनिमम तो हो ही, इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो टीओएफ और आरएफए में डिफरेंस समझ गए, ये सरकारी जमीन, ये प्राइवेट लैंड, ये सेकंड कंक्लूजन हो गया। तीसरा कंक्लूजन क्या हो गया, फॉरेस्ट कवर सामान्यतः ज़्यादा होता है आरएफए की तुलना में, ये तीसरा कंक्लूजन हो गया। चौथा कंक्लूजन क्या हो गया कि टीओएफ की ही उपश्रेणी है वृक्ष आवरण यानी कि ट्री कवर, ये समझ गए। तो ये 4 महत्वपूर्ण जो कंक्लूजन आपने लिया इसके बेस पे आई होप आप समझ गए होंगे इन टर्मिनोलॉजी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिससे के बाद आपको ये चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखते हैं, यदि फॉरेस्ट कवर को, तो फॉरेस्ट कवर की जो डेंसिटी है तो कैनोपी डेंसिटी के बेस पे हमने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। तो पहला क्या है, इसको हम कहेंगे, पहला इसे हम शामिल करेंगे दोस्तों, ये है सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF, जिसमें कैनोपी डेंसिटी वृक्षों का घनत्व कितना होगा, 70% से ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद घने वन यानी कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट MDF इसे हम कहेंगे, जिसमें कैनोपी डेंसिटी 40-70% होता है। उसके बाद देखेंगे एक ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन यानी OF इसे कहेंगे, इसमें कैनोपी डेंसिटी 10-40% के बीच होगा। ये तीनों को ही हम विभाजित किए हैं फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। इसके बाद जो झाड़ी वन है या स्क्रब है, इसे इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि फॉरेस्ट कवर का जो मापदंड क्या है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा क्या मापदंड है, 10% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो या 10% से भी ज़्यादा हो, ये दोनों ही मापदंड पूरा नहीं करता है, इसलिए हम इसे शामिल नहीं करते हैं वन आवरण में, ये क्लियर हो गया। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखिए VDF वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, उसकी डेंसिटी 70% कम से कम हो ही, उससे ज़्यादा भी हो, तो वो उसका कितना है, भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 3.02% क्या है, ऐसे अति सघन वन है, ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसी प्रकार मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जहाँ की डेंसिटी 40-70% के बीच होती है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.39% क्या है, वन MDF के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखते हैं आप खुले वन जहाँ की डेंसिटी 10-40% है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.26% क्या है, ऐसे वन हैं। उसके बाद यदि हम झाड़ी वन को देखते हैं, तो झाड़ी वन देखते हैं जो वृक्षावरण में गिना जाता है, वनावरण में नहीं गिना जाता, उसमें क्या है, कैनोपी डेंसिटी 10% तक हो या 10% से कम हो, ठीक है, 10% से कम हो दोस्तों ये, तो ऐसे वन क्या है आपका 1.41% ऐसे वन हैं। और अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग में वन नहीं है, तो ये क्या है, 76.92%, ठीक है, यानी कि अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, ये तीनों क्या हैं आपके वनावरण के अंतर्गत, फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम स्क्रब देखेंगे, यानी कि झाड़ी वन है तो वो भी वन ही है ना, लेकिन ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वन नहीं है, गैर वन क्षेत्र, वो कितना है, 76.92%। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल रहा है जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो क्या है, MDF इज ग्रेटर देन ओपन फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट इज ग्रेटर देन वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है, MDF मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद क्या है, ओपन फॉरेस्ट, उसके बाद क्या है आपका, अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद आती है बात स्क्रब की।
तो ये इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जिसके आधार पर आप बहुत अच्छा आंसर कर पाएंगे अगर आप एसएसएम रीजन वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें तो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो ये वो वन है जिसका हम पिक्टोरियल चीज़ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए यहाँ पर कैनोपी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 70% से अधिक है, तो ये एरिया वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया। यहाँ पे 40-70% के बीच में है, ये मॉडरेटली वाला पार्ट हो गया और यही सबसे ज़्यादा है, आपको पता होगा। उसके बाद देखते हैं खुले वन, तो ओपन फॉरेस्ट है ये। इसके बाद सेकंड नंबर में ये आता है जहाँ पे 10-40% के बीच कैनोपी डेंसिटी होती है। उसके बाद ये वो स्क्रब क्षेत्र है जिसे हम वनावरण में शामिल नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार ये पाई चार्ट के बेस पे भी आप समझ सकते हैं कि वो वही जो कंक्लूज़न है कि सबसे ज़्यादा एरिया क्या है, वन नहीं है। और भारत के कुल वन क्षेत्र का देख रहे हैं लगभग 1/4 भाग क्या है, वन है। ठीक है, उस आंकड़े को भी हम देखेंगे तो ये वही कंक्लूज़न है, सबसे ज़्यादा क्या है अगर देखेंगे तो MDF है, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट है, उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट है, उसके बाद स्क्रब है। ठीक है, तो ये इसका पाई चार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो दोस्तों ये समझ गए, ये इमेज आपके सामने हमेशा रहनी चाहिए जिसके बाद आप बहुत आसानी से इनके आंकड़ों को समझ पाएंगे। अब हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े क्या क्या हैं। दोस्तों यदि आप इस आंकड़ों को देखते हैं तो भारत के कुल वन क्षेत्र का 1/4 भाग लगभग क्या है, वन है, मैंने बताया था। तो फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो भारत का कुल वन क्षेत्र निकलता है। तो भारत का फॉरेस्ट कवर कितना है आपका, 21.67% और ट्री कवर कितना है, 2.89%। दोनों को ऐड करेंगे तो 24.56% ये भारत का कुल वन क्षेत्र है। 2017 रिपोर्ट में भारत का कुल वन क्षेत्रफल कितना था, 24.39%, यानी कि हमने इसमें ग्रोथ लिया है, हमने इसमें वृद्धि दर्शाई है। तो आइए देखते हैं आंकड़ों को वन बाय वन। तो ये देखिए वन एवं वृक्ष से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, यानी कि हम देखेंगे फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर दोनों को अगर ऐड करते हैं तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.56% क्या है, वन आच्छादित क्षेत्र है। ये समझ गए। उसके बाद दूसरा देखते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वनावरण क्षेत्र है, यानी कि फॉरेस्ट कवर एरिया। ठीक है, फॉरेस्ट कवर का जो क्षेत्र है वो कितना है, 21.67%। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ट्री कवर वृक्षावरण कितना है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, 2.89%। यदि आप ये फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर को जोड़ दें तो आपको क्या मिल गया, भारत का कुल वन क्षेत्रफल मिल गया। ये समझ में आया आपको। अब देखते हैं जो वन आच्छादित जो भूमि है, यानी कि जो वनावरण वाला जो उसमें कितना ग्रोथ दिखाया है, तो वनावरण में कितना ग्रोथ है ना, ये वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, क्षेत्रफल नहीं है, ये वनावरण है, इसे याद रखिएगा, ये वनावरण है। तो वन आच्छादित जो भूमि है जो वनावरण के अंतर्गत आया है उसमें कितना ग्रोथ है, 0.56% का ग्रोथ है। और वैसे ही वृक्षावरण में क्या कितना ग्रोथ है, 1.29% का ग्रोथ है। ठीक है, अगर आप दोनों को ऐड कर दें, अगर आप दोनों को ऐड कर दें यानी कि वनावरण प्लस वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है दोनों में, तो वो है 0.65%। यानी फॉरेस्ट कवर एंट्री कवर में टोटल कितना ग्रोथ है दोनों को मिलाएं तो आपको 0.65% की वृद्धि आपको ISFR 2017 की तुलना में करने पर प्राप्त होता है। ये समझ गए, ये क्या है लास्ट वाला, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर में कुल वृद्धि टोटल ग्रोथ वो क्या है, ISFR 2017 की तुलना में 0.65% की वृद्धि दर्ज हुई है। ये समझ गए आप।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे वो चीज़ दिया हुआ है RFA यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और GW। GW मतलब क्या है? ग्रीन वॉस। ग्रीन वॉस कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में RFA ही है, लेकिन आप इसको मैं बताता हूँ क्या है कि जैसे ISFR रिपोर्ट तैयार की जाती है सभी प्रदेशों के लिए, भारत के यूनियन टेरिटरीज के लिए भी। इन प्रदेशों में केवल 23 ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने RFA का रिकॉर्ड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को प्रस्तुत किया है। तो RFA उनके लिए है, उन 23 प्रदेशों के लिए RFA यूज़ करेंगे। और जिन प्रदेशों ने ये RFA का रिपोर्ट कोई ऐसा आधिकारिक आंकड़ा या बाउंड्री डिसाइड ही नहीं कर पाए, इस कारण वो डेटा FSI को उन्होंने समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया, तो वो एरिया हम ग्रीन वॉस में हम गिनते हैं। तो RFA और ग्रीन वॉस क्या है? वो एक ही प्रकार का है, ये आधिकारिक है और ये गैर आधिकारिक है। माने कोई एक प्रदेश ने कोई ऐसी बाउंड्री डिसाइड नहीं की और उसे हम जो है फॉरेस्ट के अंतर्गत अब यदि हम गिनना चाहें तो हम क्या करेंगे, उसे हम ग्रीन वॉस कहेंगे। ठीक है, यानी कि वही ग्रीन आच्छादित क्षेत्र, ये समझ गए। तो RFA GW के अंतर्गत जो फॉरेस्ट कवर वनावरण में कितनी वृद्धि हुई, 0.05 की कमी दर्ज हुई। ये वृद्धि नहीं है, कमी दर्ज हुई है। ठीक है दोस्तों, ये कितनी प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है, 0.05, जो काफ़ी कम है, लेकिन क्या है, 330 वर्ग किलोमीटर इतनी कमी दर्ज हुई है। ये किसके अंतर्गत? RFA GW के अंतर्गत, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत। ऐसा क्यों हुआ, आप थोड़ा लॉजिक लगाइए। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब क्या? सरकारी ज़मीन। मान लो किसी सरकारी ज़मीन को आदिवासी जन हैं या कोई ऐसे जो जिनको ज़मीन आवंटित कर दिया गया है सरकार के द्वारा, तो वो सरकारी ज़मीन को ही उनको दिया जाएगा। तो वो पहले RFA के अंतर्गत था, सरकारी ज़मीन में रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी ज़मीन था। अब वहाँ पे प्राइवेट लैंड मतलब किसी व्यक्ति को दे दिया गया सरकार के द्वारा, वहाँ पे उनके लिए उनको रहने का अधिकार यानी पट्टा भी दे दिया गया। ठीक है, ये पट्टा क्या है, एक आधिकारिक जो है प्रपत्र है, आधिकारिक जो है डॉक्यूमेंट है। तो वो उस क्षेत्र में जो पहले RFA था, अब क्या है, वहाँ पे वो RFA क्षेत्र क्या है, घट गया, क्योंकि वो सरकारी आंकड़े से बाहर हो गया, क्योंकि उसका उसको किसी को दे दिया गया, ये समझ गए। अब देखते हैं RFA के बाहर वन आवरण में यानी फॉरेस्ट कवर में क्या है, यहाँ पे वृद्धि हुई है। ऐसा क्यों, वन आवरण में वृद्धि क्यों आ रहा है, इसका भी लॉजिक लगाइए भाई। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सरकारी ज़मीन का जनरली हम देखते हैं उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन किसी प्राइवेट लैंड में, प्राइवेट लैंड में लोग प्लांटेशन भी कर रहे हैं। हो सकता है जैसे कि हमने अमरूद के पेड़ का जो प्लांटेशन का एग्जाम्पल लिया था, तो जैसे कि प्राइवेट लैंड RFA के बाहर प्राइवेट लैंड में लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, तो इसके कारण जो है इसमें वृद्धि दर्ज हुई। इस कारण ये क्षेत्र क्या है, आपको RFA के बाहर जो है वृद्धि दर्ज के रूप में यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखते हैं कि जो ऐसे माउंटेन जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, पर्वतीय जिले हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर में वृद्धि दर्ज हो रही है, 0.19% की वृद्धि दर्ज हुई है। उसके बाद देखते हैं नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, जिसकी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 65.05% वन है, उस क्षेत्र में फॉरेस्ट कवर में यानी कि वनावरण में 0.45% की कमी दर्ज हुई है, 765 वर्ग किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इसमें कंक्लूजिंग लाइन क्या निकाल सकते हैं, जो जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले जो प्रदेश हैं उसमें असम और त्रिपुरा, ये दो ऐसे राज्य को हटा दो, यानी वो सेवन सिस्टर्स आपको पता होगा, उनमें असम और त्रिपुरा को अगर छोड़ दो तो बाकी जो सभी क्या है, सभी राज्य हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पे वनावरण में कमी दर्ज हुई है, ये समझ गए आप। और इसके बाद देखते हैं जो ट्राइबल वाले एरियों में क्या है, RFA में कमी पाई जा रही है, जबकि इसके बाहर वृद्धि पाई जा रही है।
ये वो जनजाति क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक डेटा है जो मैंने बताया था कि जैसे आदिवासी जन जो होते हैं जनरली जो फॉरेस्ट लैंड के पास ही अपना रहना पसंद करते हैं, तो यदि जनजाति क्षेत्रों में आरएफए की कमी पाई जा रही है, मतलब क्या है, इन जनजातियों को क्या है सरकारी ज़मीन आवंटित कर दी गई होगी, इस कारण यहाँ पे जो है क्या पाई जा रही है, कमी पाई जा रही है, किसकी जो है वनावरण में कमी पाई जा रही है, ये समझ गए आप। कई बार क्या होता है कि पेड़ को काट भी दिया जाता है, लेकिन वनावरण जो है इस आरएफए के बाहर में अगर देखेंगे तो फिर से वापस क्या मिलता है, वृद्धि पाई जा रही है, जैसे यहाँ हमने देखा था। ये क्लियर हो गया, तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखिएगा, आरएफए जनजाति क्षेत्रों में कमी पाई जा रही है लेकिन आरएफए के बाहर इसी जनजाति क्षेत्र में वृद्धि पाई जा रही है। होता क्या है कि जनजाति क्षेत्र में मान लो सरकारी ज़मीन आवंटित की गई, उसके आसपास वो देखते हैं या कोई भी ऐसा जिसके आसपास देखते हैं, जैसे पुराने समय में होता क्या था, पेड़ों को काट कर वहाँ खेत बना दिया जाता था, तो लगभग इसी प्रकार की किसी एक्टिविटी के कारण इसके इस क्षेत्र में क्या है, कमी पाई जा रही है, या वन आवंटित भूमि के कारण जो है इनको सरकारी आवंटित भूमि के कारण कमी पाई जा रही है, या हो सकता है बाहर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो इसमें वृद्धि मिल रही है। तो ये समझ में आया आपको। उसके बाद देखते हैं भारत के जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का 330 वर्ग किलोमीटर क्या है, ये ऐसा एरिया इसमें क्या है, कमी पाई जा रही है। भारत के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में मतलब आरएफए में भी कमी पाई जा रही है, ये तो मैं पता ही रहा हूँ, तो उसमें कितनी कमी पाई जा रही है, 0.05% की कमी आई है। और यदि हम वेटलैंड देखते हैं जो किसके लिए काफ़ी समृद्ध माने जाते हैं, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी समृद्ध माने जाते हैं, तो भारत में 62,466 जो हैं वेटलैंड्स हैं, 62,466 ऐसे आर्द्र भूमियां हैं जो आरएफए ग्रीन वॉश क्षेत्र के लगभग 3.83 क्षेत्र को कवर करती हैं। ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स को एक हमने वनावरण में रखा, एक को हमने वृक्षावरण में रखा, एक हम देखते हैं ऐसा क्षेत्र भी है जो वेटलैंड एरिया है, दलदली क्षेत्र है, तो दलदली क्षेत्र वो जनरली वेटलैंड में शामिल करते हैं। तो जैसे कि हम इसके जो पैरामीटर्स को देखते हैं, मापदंड को अगर हम देखें, तो नम भूमि क्षेत्र या वेटलैंड जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं जैव विविधता की दृष्टि से, क्योंकि दो इकोसिस्टम का मिलन स्थल होता है, जैसे कि स्थलीय इकोसिस्टम, ठीक है, और जलीय इकोसिस्टम, ठीक है, तो लैंड इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक जो है इकोसिस्टम, दोनों का जो मिलन स्थल होता है, आधा जमीन और आधा पानी, तो वो एरिया क्या है, दलदली बन जाता है। उससे होता क्या है कि स्थलीय क्षेत्र में रहने वाले जीव और जलीय क्षेत्र में जो रहने वाले जीव, दोनों को एक तीसरे प्रकार का इकोसिस्टम मिल जाता है, और वहाँ उस क्षेत्र में इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा प्रजातियों यानी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी मिलती है, इस कारण ये बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत में यदि हम नए आंकड़ों को देखते हैं, तो भारत में जो कुल नम भूमि क्षेत्र हैं, पहले 27 था, लेकिन 2020 में नए आंकड़ों के हिसाब से वो 10 और ऐड हो गए हैं, तो टोटल 37 वेटलैंड्स हो चुके हैं। वेटलैंड्स के बारे में हम बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर भी देखेंगे एनवायरनमेंट वाले सब्जेक्ट में, जिसकी काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंस इसका हम एरिया भी देखेंगे। तो ये समझ गए, तो आंकड़ा क्या है, भारत का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत 62,466 आर्द्र भूमि जो है भारत के 3.83% क्षेत्र को कवर करते हैं, और भारत में टोटल 37 वेटलैंड्स हैं आज के देश में। अब हम देखते हैं कि यदि आप वेटलैंड से संबंधित किसी महत्वपूर्ण सम्मेलन को अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, तो ये क्या है, रामसर सम्मेलन, जो ईरान के रामसर सम्मेलन में वर्ष 1971 में हुआ था, जिसमें रामसर साइट यानी कि वेटलैंड के चिन्हित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो भारत में ऐसे
37 रामसर साइट हैं 2020 के आंकड़ों की तुलना में। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे वेटलैंड्स हैं। तो भारत में 37 वेटलैंड कहने का मतलब वो रामसर साइट से था, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़ों को, वनावरण को। तो वनावरण वाले राज्य में, वनावरण वाले प्रतिशत वाले राज्य में देखते हैं तो सर्वाधिक जो वनावरण प्रतिशत है मिजोरम है 85.41%। उसके बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश है तो इसका कितना है देखते हैं 79.63%। उसके बाद मेघालय थर्ड रैंकिंग है 76.33%। उसके बाद मणिपुर है 74.76%। ठीक है, उसके बाद नागालैंड है 75.31%। ठीक है, तो ओवरऑल ये वनावरण प्रतिशत है, फॉरेस्ट कवर परसेंट वाले हैं। लेकिन सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य को बात करें यानी फॉरेस्ट कवर वाले राज्य को, तो पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, 55611 square kilometer ये है। उसके बाद देखते हैं ओडिशा है, ओडिशा में 51619 जो है स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद महाराष्ट्र है 50778 वर्ग किलोमीटर। तो डेटा अगर याद करना चाहें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तक एटलीस्ट ज़रूर याद कर लें। और ये सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी ये सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है, ये तीन एटलीस्ट परसेंट आपको याद रहने चाहिए। अब ये तो क्या था, वनावरण है ना। अब वनावरण में ये जो वृद्धि और कमी यानी क्या डिफरेंस आया 2017 ISFR रिपोर्ट की तुलना में, तो देखते हैं सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर में वृद्धि कहाँ दर्ज हुई, कर्नाटक। उसके बाद कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश। उसके बाद कहाँ हुआ, केरल। उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश। डेटा फिर से, तीन डेटा एटलीस्ट आप याद रखें, ठीक है, 1025 990 और 823। ये क्या है, सीक्वेंस आप याद जरूर रखें, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो कमी वाले जो राज्य हैं तो देखते हैं सबसे कमी क्या है, मणिपुर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम। ये समझ में आया आपको। अब इसमें क्या देखेंगे आप, इसका फर्स्ट तीन 499, उसके बाद 276 और 180। ठीक है, तो ये वनावरण में कमी वृद्धि वाले हैं और ये क्या है, इनके डेटा हैं, ये परसेंटेज वाले डेटा हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण डेटा है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूं, प्लीज़ इसे स्क्रीनशॉट ले लें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, ये भी आपके बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली कोस्टल एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा हम एक लाइन नहीं कह सकते कि सिर्फ कोस्टल में ही मिलेगा, यानी तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक मिलते हैं, लेकिन तटीय क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में सबसे पहले जान लें, मैंग्रोव ऐसी वनस्पति होती है जो काफ़ी जटिल या काफ़ी कठिन पर्यावरणीय परिस्थिति में भी उगाती है। जैसे यहाँ उच्च लवणता युक्त जल होता है, ये वाटर में सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्र में उगता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को, इनमें एक विशेष एरियल रूट पाए जाते हैं, विशेष वायवी जड़ पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर जो है, सामान्यतः जड़ क्या होता है, जड़ जो है ज़मीन में नीचे की ओर जाता है, बट ये ऐसा जड़ है जो ज़मीन से ऊपर की ओर आता है, और जो एयरी पार्ट होता है, जो वायु में रहता है, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और ये जो कोस्टल एरिया में मिलने के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइडल कंडीशन होता है, ज्वार भाटा काफ़ी आते रहते हैं, तो लगातार ये उन ज्वार भाटा को वो क्या करता है, झेलते रहता है, इसके बावजूद ये ग्रो करता है। सामान्यतः ये इसमें और भी बहुत सारे ऐसे इसके इम्पोर्टेंस है, बट उसे विस्तारपूर्वक हम इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय
वन और उपोष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में या इन क्षेत्रों वाले जो जलवायु कंडीशन वाले क्षेत्रों में ये सामान्यतः मैंग्रोव मिलता है और भारत इसी क्षेत्र में आता है, इसलिए भारत को मैंग्रोव का उद्गम क्षेत्र भी माना जाता है। ये समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। और महत्व क्या है, कार्बन सिंक का काम करता है, सिंक मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है, जैसे कि आप फोन को सिंक करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही ये भी क्या है, वायुमंडल से कार्बन को सिंक कर लेता है, खींच लेता है। उसके बाद सुनामी तूफान जब आता है तो इसकी गति को ये कम कर देता है, मिट्टी का कटाव रोकता है, तटीय क्षरण यानी कि जो कोस्टल इरोजन होता है इसे भी रोकता है, समुद्री जल प्रदूषण को कम करता है क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे अन्य जलीय जीवों का आवास होता है, यानी कि जैसे ये जो मैंग्रोव आप देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ पे हो सकता है मंकी रहे, बर्ड्स रहे या कोई और स्पीसीज भी रह सकता है जो इन पेड़ों पे रहता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो ज़मीन है, जो लैंड है, इस लैंड में ये क्या है, पानी है, तो पानी वाले एरिया में जो है एक्वेटिक एनिमल्स हैं यहाँ पे आ गए। इसके बाद देखते हैं बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स या छोटे छोटे स्पीसीज़ के लिए ये आवास का काम करता है, तो ये इनके लिए हैबिटाट है। तो कुल मिला के ये समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र बन जाता है। ये क्लियर हो गया। अब इनसे संबंधित जो डेटा है वो आपके लिए एग्जाम के लिए फिर से काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। तो देखिए देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है, 4975 स्क्वायर किलोमीटर, तो जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 0.15% है। और देश के मैंग्रोव क्षेत्र में कितना परसेंट, कितना की वृद्धि हुई है, 54 स्क्वायर किलोमीटर की, कितना परसेंट है, 1.10% की ग्रोथ है 2017 की तुलना में। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है, 0.15%, कितने वृद्धि हुई है, 1.10%। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य देखिए, सभी देखिए, आप देखते हैं सभी कोस्टल राज्य हैं, सभी तटीय राज्य हैं, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा इसमें वृद्धि है, 37 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद महाराष्ट्र में है जिसमें 16 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद उड़ीसा है 8 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इतना इस क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। और यदि कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक मैंग्रोव प्रतिशत है तो पश्चिम बंगाल है, ये भी कोस्टल राज्य है, जहाँ पे 42.45% उसके कुल एरिया का मैंग्रोव जो है प्रतिशत है। ठीक है, ये समझ गए आप, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता होगा यहाँ इस एरिया में क्या है, सुंदरबन काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी समृद्ध है। ठीक है, दूसरा रैंकिंग है गुजरात, ये भी कोस्टल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये तीसरा है, तो ये सर्वाधिक प्रतिशत वाले हैं। ये क्लियर हो गया, एटलीस्ट सबसे फर्स्ट वाला डेटा तो आप याद रखिए ही। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये डेटा भी आपको याद रहे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में भी काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है ट्री कवर का। ट्री कवर के बारे में हमने क्या देखा था, हमने वो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम फिर से याद करिए कि ऐसा क्षेत्र जहाँ वो 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम है, कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है, 10% से ज़्यादा भी होगा तो वो क्या है, फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 हेक्टेयर से कम की लैंड हम ले रहे हैं। तो ट्री कवर आप समझ गए, ट्री कवर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या मैंने बताया था, ट्री कवर इज द सबसेट ऑफ TOF, यानी कि वृक्ष आवरण ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का उपश्रेणी है। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, यदि हम ट्री टोटल आउटसाइड फॉरेस्ट को देखें तो टोटल आउटसाइड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट को देखें तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में क्या था, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन भी उसमें आ जा रही थी, लेकिन इसमें 1 हेक्टेयर से अंदर की ज़मीन ही आएगी, याद रखिएगा इसे। ठीक है, तो अब समझते हैं महत्वपूर्ण डेटा को। तो वो डेटा क्या है, वो डेटा है कि कुल वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, 95027 स्क्वायर किलोमीटर, और वृक्षावरण में 1212 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है 2017 की तुलना में। ठीक है, ये 2017 है, 2017 की तुलना में कितना है,
1212 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है और सर्वाधिक जो ट्री कवर वाले राज्य हैं, ट्री कवर यानी कि वृक्षावरण वाले राज्य हैं, सबसे पहला महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा राजस्थान है और चौथा जम्मू कश्मीर है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण डेटा है, इसका सीक्वेंस भी याद रखिए आप। उसके बाद सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाले राज्य परसेंटेज में हैं, जो बिखरे हुए पेड़ होते हैं ना, तो जैसे चंडीगढ़ में सर्वाधिक प्रतिशत हैं, दिल्ली में हैं, केरल में हैं और गोवा में, ये सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा। उसके बाद वन क्षेत्रों के बाहर जो वृक्ष है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ठीक है, TOF के बाहर जैसे हमने देखा था, तो TOF के अंदर क्या है, ये वृक्षावरण आ जाता है, ठीक है, हमने देखा था। तो यदि हम सिर्फ TOF को लें तो सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद देखते हैं उड़ीसा, उसके बाद देखते हैं कर्नाटक, ये भी समझ गए। अब इसका भी प्रतिशत लें, अधिकतम TOF प्रतिशत कहाँ है, केरल है, गोवा है और नागालैंड है, ठीक है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट याद रखिएगा, जो सरकारी ज़मीन या प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर की ज़मीन, हो सकता हो प्राइवेट लैंड हो, ठीक है, तो ये याद रखें। ये दोनों किसके बाहर आते हैं, RFA के बाहर आते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर बाहर आते हैं। ये RFA और वृक्षावरण किसके अंतर्गत आ सकता है, यदि इसकी कैनोपी डेंसिटी, जैसे खासकर TOF कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा हो और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन हो, तो वो वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर में आएगा, लेकिन वृक्षावरण के केस में नहीं आता, क्योंकि इसमें एक पैरामीटर जो दर्ज होता है, 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन को ही इसमें शामिल किया जाता है। तो एक पास का एरिया लिए, 1 हेक्टेयर से कम लिए, उसमें डेंसिटी जो है कम है, तो वो हम ट्री कवर में शामिल कर ले रहे हैं। तो पैरामीटर याद रखिएगा ट्री कवर का, फॉरेस्ट कवर का, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है, यहाँ पे 1 हेक्टेयर से कम होगा, TOF में 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो सकता है, इसको हम सीमा में नहीं बांध सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी, इसको पहली बार ISFR रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तो पहली बार ISFR रिपोर्ट में शामिल किया गया, तो देखिए क्या क्या है, तो देखते हैं फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी में 1968 में चैंपियन और SK सेठ ने अलग भारत में जो पाए जाने वाले वनस्पतियों को 16 ऐसे वर्गों में विभाजित किया था। तो उसमें देखेंगे तो क्या क्या ऐसे आते हैं कि नम उष्णकटिबंधीय वन, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पर्वतीय समशीतोष्ण माउंटेन टेम्परेट और उप अल्पाइन सब अल्पाइन फॉरेस्ट और अल्पाइन सरब। दोस्तों ये आपके लिए डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब बायोम्स वाले में पार्ट में देखेंगे तो काफ़ी ईजी जाता है, इसे समझना भी बहुत आसान है, प्रोवाइडेड कि हम उस कॉन्सेप्ट को समझें। फिलहाल हमको यहाँ पे 16 वर्गों में विभाजित किया है, इसे देखना है, और 221 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, ये काफ़ी विस्तृत है, इनसे संबंधित डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि 16 वर्गों में देखेंगे तो ये 4 भागों में विभाजित है, वे 3, 3 और 3, तो 4, 3, 3, 3 ये भागों में विभाजित है, ये 1 है, ये 1 भाग में विभाजित है और उसके बाद ये 2 भागों में विभाजित है, तो टोटल ऐसे 16 भागों में ये विभाजित किया गया है। अब इससे संबंधित डेटा क्या है, वृक्ष वर्गों में अधिकतम प्रजाति विविधता वाले राज्य, ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक डाइवर्सिटी वाले जो राज्य हैं वहाँ पे सर्वाधिक कहाँ, मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ऐसा एरिया आप ले लिए कितने प्रकार की स्पीशीज हैं, केवल प्लांट की बात कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एनिमल स्पीशीज प्लस प्लांट स्पीशीज दोनों होता है, बट ये क्या है, ये तो फॉरेस्ट का रिपोर्ट है, तो इसलिए केवल प्लांट को इसमें शामिल करेंगे। तो किसी कोई ऐसा प्रदेश जहां वृक्षों की या वनस्पतियों की सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है, वो कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। तो कर्नाटक समझ गए, प्रजाति विविधता यहाँ पर सर्वाधिक हो है। उसके बाद झाड़ी या सरवों में अधिकतम प्रजाति विविधता कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद कहाँ देखेंगे, साख या जड़ी बूटी के केस में जो सर्वाधिक जो है जड़ी जो प्रजाति विविधता है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो इसमें 3 जो कैटेगरी है, इसमें पहला वृक्ष है, दूसरा झाड़ी है और तीसरा साग जड़ी बूटी है। तो इसमें ट्री वर्ग में सबसे ज़्यादा प्रजाति विविधता कर्नाटक हो गया, झाड़ी वर्ग में अरुणाचल प्रदेश हो गया और श्रब
के बाद हर्ब जैसे देखते हैं तो साग या जड़ी बूटी में देखते हैं तो सर्वाधिक प्रजाति विविधता किसकी होगी? जम्मू कश्मीर। अगर ये तीनों को जोड़ दें और तीनों को सामूहिक रूप से देखें कि सर्वाधिक ऐसा प्रदेश जहाँ पे इन तीनों की जो डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये आप समझ पाए, ये इंडिविजुअली है और तीनों को जोड़ देने पर, तीनों को मिलाने पर सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, उसके बाद कर्नाटक में। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इरेज कर देता हूँ, आप ले सकते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो नेक्स्ट रिपोर्ट को, तो नेक्स्ट रिपोर्ट में फिर से हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसा डेटा। तो बांस, बांस क्या है? बांस वृक्ष की श्रेणी में नहीं गिना जाता, जो है हाल ही में कुछ वर्ष पहले इसे वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ये पोएसी जो फैमिली है इसके अंतर्गत आता है। तो बांस क्या है? इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पारिस्थितिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों में उगाते हैं और पारिस्थितिकी को यानी इकोसिस्टम को समृद्ध बनाते हैं। तो क्या है देखिए, तो देश का कुल बांस क्षेत्रफल कितना है? वो है 16 मिलियन हेक्टेयर अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद 2017 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? 3229 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई। यहाँ पे ये डेटा आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक बांस क्षेत्र वाले राज्य जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा है। लेकिन जो शुद्ध बांस है, भाई बांस के बहुत सारे अलग अलग जेनेरा या वंश मिलते हैं, ठीक है? तो अलग अलग वंश में मिलते हैं, जो प्योर बांस है, शुद्ध बांस की सर्वाधिक उपस्थिति कहाँ है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और हमारे छत्तीसगढ़ में। ये सबसे अच्छे किस्म के बांस पाए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो फॉरेस्ट फायर यानी जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में क्या है, जो आग लग जाती है वो कई कारणों से होता है। कई बार दो पेड़ों के या बांस के घर्षण के कारण आग पैदा हो जाती है। कई बार किसी क्षेत्र में लोग जो विचरण करते हैं तो चिंगारी कहीं पे पाए जाने पर, चिंगारी किसी जगह पे मिल जाने पर वो आग के रूप में वो फैल जाती है। कई बार किसी दूसरे कारण से भी ऐसा हो जाता है। तो कुल मिला के होता क्या है, इसके कारण बहुत गंभीर पर्यावरणीय क्षति होती है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया का बुशफायर वाला भी घटना, काफ़ी बड़े भूभाग पे ये जो है वन क्षेत्र में आग लग गई थी। तो जो भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ये उसी का रिपोर्ट है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अगर देखें तो अग्नि प्रवण क्षेत्र यानी कि फायर प्रोन एरिया, तो अत्यंत ज़्यादा यानी कि एक्सट्रीमली फायर प्रोन, तो ये मिजोरम है और त्रिपुरा है, जहाँ ये काफ़ी संवेदनशील है, तुरंत आग लग सकती है यहाँ पे। उसके बाद अति उच्च वेरी हाईली फायर प्रोन एरिया में मिजोरम मणिपुर है। उच्च अग्नि प्रवण क्षेत्र हाईली फायर प्रोन एरिया में नागालैंड और मणिपुर है। उसके बाद मध्यम अग्नि प्रवण क्षेत्र में क्या है, पंजाब और नागालैंड है। दोस्तों ये डेटा आपके लिए, एटलीस्ट ये दोनों डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है ऊपर के, ठीक है? तो इसे ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और महत्वपूर्ण है, कार्बन स्टॉक। मैंने बताया था कि कार्बन अवशोषण क्षमता तो कहाँ पे ज़्यादा होगा, ऐसा राज्य जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ कार्बन स्टॉक ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो हमने देखा था स्टार्टिंग में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन्हीं राज्यों को देखा था। तो यदि कार्बन स्टॉक देखें तो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में उसके बाद ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे वन क्षेत्रफल में देखेंगे ना, वनावरण में देखेंगे, फॉरेस्ट कवर में, तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन ये कार्बन स्टॉक में इसका उल्टा है, सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में कार्बन स्टॉक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में, इसके बाद छत्तीसगढ़ में, इसके बाद महाराष्ट्र में, ठीक है? ये सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्य हैं। इसके बाद देखते हैं प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्य में, देखते हैं पहला है सिक्किम, उसके बाद अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल होता है। तो याद रखिएगा कार्बन सोखने की क्षमता, ठीक है? उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वन एवं लोग, ये आज का लास्ट टॉपिक है। दोस्तों क्या है इसके अंतर्गत देखिए,
फॉरेस्ट एरिया के आसपास रहने वाले लोग और इनकी निर्भरता। तो उसमें जो रिपोर्ट में जो शामिल किया गया है वो क्या है कि वन उत्पादों भारत वन सर्वेक्षण के द्वारा किए गए अध्ययन के में वनों के निकट रहने वाले लोगों की निर्भरता इन उत्पादों पर ज़्यादा रहती है। ईंधन लकड़ी की मात्रा, ठीक है, चारा, ठीक है, उसके बाद लघु इमारती लकड़ी, फिर बांस, ठीक है। तो इनकी निर्भरता देखिए, वनों पर निर्भरता वाले शीर्ष तीन राज्य, यदि ईंधन लकड़ी में सर्वाधिक कौन ज़्यादा निर्भर है तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, फिर उड़ीसा है, फिर राजस्थान है। चारा पे सबसे ज़्यादा कौन निर्भर है, ये वन क्षेत्र की वाले जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वन क्षेत्र में चारा जो है उस पर सर्वाधिक निर्भरता किसकी है, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। उसी प्रकार लघु इमारती वाले लकड़ी में देखते हैं आप, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, और बांस क्षेत्र जो है, बांस पर सबसे ज़्यादा निर्भरता किसकी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर गुजरात। वनों पर यदि हम निर्भरता के मामले में देखें तो ये एक एक वर्ड जो है एटलीस्ट इन प्रोडक्ट पे निर्भर वाले सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा जो निर्भर राज्य हैं एटलीस्ट ये डेटा तो याद रखें ही, यानी ईंधन पर महाराष्ट्र, चारा पर मध्य प्रदेश, लघु इमारती पर भी मध्य प्रदेश और बांस पर भी मध्य प्रदेश, यानी कि ये तीनों में तो कॉमन आ गया मध्य प्रदेश, तो ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपके लिए ये काफ़ी। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।